देखिए माँ देखे मारेगी अपनी तू कह रही है शीतल तू कहा जा रही है टोंग तो ये ए उत्ती टोंग पे दर्द दी तो टोंग भर कर आ रहा भी हमें ना लग रही भी मार वो भी पर से ना छोड़ रही देख रही है ती हमें गल गल ले चल रही है उत्ती गलती आ गई ना तगड़ा ही कैसे हमें मैं तो क्या था मुंह की बात वेलकम टू प्रीति तनवे ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपया आप सब पे बनी रहे। तो आज मैं कहीं जाने वाली हूँ और जहाँ मैं जाने वाली हूँ जिनसे मिलने के लिए वो आपको ब्लॉग में आगे देखने को मिलेंगे। आज मैं अपने फ्रेंड को देखने जाने वाली हूँ और उसको आप जानते भी हो, आपने अब से पहले ब्लॉग में देखा भी है। आज हम फिर आपको मिलवाएंगे और उसमें जाने वाले मैं और शीतल। तो देखते हैं आगे, आपको कंटिन्यू जुड़े रहना है। मैं तब तक खोल लेती हूँ रेडी। सूट मैंने वेयर कर लिया है। ये सूट है जो मैं एक दिन ब्लॉग में बता भी रही थी कि मैंने मतलब इसकी वीडियो बनाई है। ब्लॉग मेरा इसमें नहीं है, आज फर्स्ट ब्लॉग है मेरा इसमें। और ये मुझे रिसीव हुआ है श्री श्याम कलेक्शन, जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे उनका पेज है। और बहुत ही अच्छा फैब्रिक है इसका और बहुत अच्छा है सच में। ये सूट देख सकते हो आप, अभी मैं आपको श्री श्याम दिखाती हूँ। काफ़ी अच्छा है, कलर के अकॉर्डिंग फैब्रिक भी बहुत अच्छा है इसका। देखो ये है इसका सूट, आप देख सकते हो। ये इसका बहुत अच्छा नेक पे वर्क हो रखा है, ऐसी इसका नेचर डिज़ाइन है। ये दिखने रहा प्रॉपर सूट, ये ऐसे ये रहा। ये मैंने बनवाया है सलवार पे, क्योंकि सलवार के मेरे पास एक भी सूट नहीं है। और सलवार के सूट पहने होते हैं तो मम्मी के पहनती हूँ, मम्मी लड़ती है कहती है अपने सूट बनवा, तो इसलिए मैंने अपने एक दो सूट बनवा लिया है सलवार का। लुक वाइज आप बताना कैसा लग रहा है मेरे ऊपर सलवार का सूट, क्योंकि मैं कम ही पहनती हूँ सलवार के। और आज माला ज़्यादा दिखाई दे रही है, चेन उतर गई था। चलो मिलेंगे आगे, क्योंकि शीतल मेरे साथ जाएगी तो वो भी मेरा वेट कर रही होगी। बाकी मौसम आज काफ़ी अच्छा है। ओके जी, मिलते हैं। मैं हो चुकी हूँ रेडी और मौसम देख सकते हो आप, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। अब हम चलते हैं। चढ़ गई मैं यहाँ राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। मैडम ने बोला था मुझे यहीं पे मिलना। अब मैसेज आता है कि तू चली जा, मुझे भी टाइम लगेगा तो मुझे तो जाना है ही, इसलिए मैं चलती हूँ यहाँ से। बार का ना यही है, अब इतना वेट कराने के बाद में बोले कि तू चली जा मैं आती हूँ बाद में, ऐसे ही भरोसे पे रखती है सच में। और अब तक मैं इतनी देर से इसका वेट कर रही थी, इतनी देर में तो मैं अब तक यहाँ से चली भी जाती, बट अब वो नहीं आई है। मगर से निकल चुकी हूँ, राजीव चौक आ चुकी हूँ, अब आगे वापस तो नहीं जाना, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ही चलती हूँ। अभी मुझे अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना है तो इसलिए हम दोनों जा रहे थे। मैंने कहा दोनों साथ में चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन मुझे उससे मिल के ही आना है। मैं चलती हूँ अकेली, दिखाती हूँ आपको आगे। एरिया पता है, पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब आई थी ना, मैं यूपी के साथ आई थी और हमने इतने चक्कर काटे थे यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ। फिर हमने लास्ट में बोला, मैंने कहा बहन तो कैसे भी करके किसी को भेज और हमें यहाँ से बुलवा, हमें घर नहीं मिल रहा। फिर मुझे आज भी याद है भाई साहब हमें यहाँ से छोड़ने भी आए थे, और अब बस वो किसी को भेजने वाली है। मैं भी यहीं पर खड़ी हूँ, फिलहाल कर रही हूँ वेट। मैं सोच रही थी उस गली में तुम्हारा घर, इसमें चप्पल भी नहीं पहनी ऐसी भगी आई। तो मुझे बच्चे आ चुके हैं लेने, हम चलती हूँ। अब आप समझ गए मैं कहाँ आई हूँ। तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ अपने फ्रेंड के घर। देखा आपने, चिल्लर पार्टी मुझे लेने गई थी, अब वो भी शीतल आने वाली जो रह गई थी पीछे। मैंने सोचा वो आएगी नहीं, लेकिन वो आने वाली। अजंते फिर से जाएगा मासी को लेने के लिए, अब देख ले कौन सी मासी आने वाली है। मैं याद थी आपको, हाँ अजंते देख
दिखा। यू सही है, आज बॉबी से मुझे नया आइडिया मिल गया, जो मौसी आएगी ना उसको फोटो दिखा दो फोन में। भाई बच्चे ऐसे जानते ही ना, शीतल का फोटो दिखाएगी बॉबी फोन में, मुझे दिखाई कौन सा फोटो दिखाऊंगी, मेरा कौन सा है दे, तो जाना है बहुत अच्छे तरीके से, स्नैप पे मुंह है मुझे देखा था, ब्लॉग देखा था मुझे, वो ब्लॉग भी देखा तुमने, गैलरी में चली जाए इसकी पर आज स्टेटस पे लगा रखी है, लगा रखी है स्टेटस। देखिए कौन सी मौसी आ रही है, जंते ये वाली मौसी आएगी, देखो जंते दिखा दिखा दिखा, दिखा तो सही, यही हो रही वो तो सुखा रहा है, स्टेटस लग रहा हूँ भैया आ रही है, फतेहपुर से चिल्ला ना मिला यहाँ अभी तक, पहचान लोगे लिया जा अभी से, आगे कंटिन्यू करेंगे जब हमारी शीतल मैडम आ जाएगी, मैं हूँ बॉबी को देखने के लिए, जिसके पैर हो रहा है कि हम इसे देखने के लिए नहीं आए, इसलिए हम इसको दुख दूर करने के लिए आए। अपने इनका दुख ना मनाएंगे तो और किसको मनाएंगे, गारंटी थोड़ी ना दुख, सही बात है भाई, सच में ही अपने इनको दुख हो गई है कि हाँ हमें अपने देखने ना आए, इस चीज जो अपने खास होएगा उनको सच में ही, कोई और तो चलते रहे रस्ते में हालचाल ना पूछो तो कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन अपने ना पूछते तो बहुत फर्क पड़ा है, इसलिए तो हमारी तरफ से गिल्ला गुजारी मत करियो, हम आगे तुझे देखना ठीक है ना, बिल्कुल आ जाओ इधर आओ, क्यों अब देखना आप ये वाला ब्लॉग ठीक है, अब देखोगे कौन सी मम्मा देखती है मेरी व्लॉग, दोनों दोनों देखती है, चलो फिर तो ठीक है, आज भी यही देख रही हूँ, बॉबी देखे कोमल भी देखे, हेलो 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 भैया इसे ना एमआरएफ पे डाल दो, एमआरएफ पे हो जाए ठीक है भैया, अभी आई ना एमआरएफ पे, आई ना ई रिक्शा में तू हंसे तेरा दुख कम हो जा, इससे ज्यादा खुशी हमें ना हो मिल सकती, अरे तो आ गए तो माँ बाप करे दोस्त लड़की ने मिले, अरे तो यूनिफॉर्म मिला अच्छा ना, यू कॉम में घूम गया, अरे नो केड़ा नो चीकू नो पीकू बड़ा सही में कुछ न मिला मुझे भी, अरे मेरे घर वाले के साथ काम कर रहा हूँ, हमारी लग रही है तो हलवा खाना जरूरी है, तो किसी ने कहे तो हलवा खा, बॉबिक पैर में जुटा लो बतेरे, छुटा लो क्यों कह रही, वो भी टाइट हो रही है वैसे, पट्टी ढीली हो जाएगी, और ये सच में छुटा रही है, सही में बॉबी हमें बहुत दिन से बुला रही है और हम प्लान भी कर रहे आने का, लेकिन ये छोटी देख याकू बॉबी ने कुछ नहीं कही, हमें एक बार कहने तैयार गए सीधे भागे, और वैसे ही डेली बुला भाई कह भाई, हर बार जब घर जावे ना जब भी कह भाई आती ना, तो चली आती ना, कर बिना होता
बॉबी की एक बात है जो स्कूल टाइम से यू कह भाई, बात सच है और आज तक भी मैं बात है हर बहुत बार व्लॉग में बोलूं, वक्त और हालात सब कुछ सिखा दे और सब कुछ करवा दे। आज वक्त मैंने हम बुला लिए सच में। बॉबी पूरी टाइम से बोल रही मैं आज आ जाई ना, अरे ऐसे तरी भगी आई अब टाइम मिलेगा, हकीकत में यही कह मैं दोस्त की भाई। अरे बॉबी बात के में दोस्त की होगी तो कैसे करोगे तुम सीधा भगे सीधा जो आ जाएगी इसका मैं वीडियो बना दूंगा। बुढ़िया होगे तो कैसे करेगी, जवानी कलेक्शन वाली कर दी बुढ़ापा में हमारा, और सास ननद की चुगली कर दी तब हो जाएगी कर ली भजन कर लेते चल बॉबी बाय बाय, बहुत हंस लिए हंसा लिए चल चल प्यार कर दो चलने वाले चलते रहो फुकने वाले फुकते रहो फिर सो यार पैर पे दीदी कराए प्यार पे मैं पैर पे मैंने हाथ पे कर दिया इतनी देर होगी सर प्यार प्यार कहे जा रहे जब हमने कही थे कर पट्टी में प्यार था और तो और साइलेंट होगे बिल्कुल ही एक बार कोई इंश्योर भाई साहब समझ ले तो देख लो मुझे तो समझ ले जो यही समझ के कर लग किस अजंते भी हंस रहा है आवाज में अजंते मुंह से कर बेटा यू भी सारी बात अंदर खोली है सुन रहा चुप चुप चाय ठंडी बात करते क्या मजा चाय ना पियो उल्टी लग जाएगी मेरा काली पेप्सी मंगवा घर पे शुरू और चाय पीना पड़ेगा अजंते काली पेप्सी लेके बिल्कुल भाई तुम चाय हो अजंते तू चाय पिए हम लोग पीते हैं देखिए नहीं चाय भी बनवा ठंडी करवा दे मलाई हो रहा है वो भी पी लेगी तो वो भी पिएगी तो जबरदस्ती करके उठा रही है यहाँ है ना अगली बार मैं ये लगेगा सबसे अच्छा बच्चा था पार्थ की तरह ये भी ये मेरे दक्षिण छोटी है तो उन्होंने ला ली चार महीने छोटी है दक्षिण से बड़े वाले थे हाँ जा बाय बाय यहाँ बैठ जा और तो जा रहा हूँ है ना अरे दादी अम्मा ऐसी देखिए माँ देखिए मारेगी अम्मी ठीक होगी हाँ फिर चिढ़ाऊंगी तो मैं ठीक होगा अभी तो तूने सोच रही है बॉबी बीमार है अभी इतनी ताकत है बॉबी तो भाग भाग लेगी ऐसे किसी दोस्ती है बचपन की अब बुढ़े हो जाएंगे ना चल क्या वही यही करेंगे जब मैं फर्स्ट टाइम आई ना इनके साथ आई तो बड़ी है कोमल इनके साथ आई मैं ना मुझसे छोटी हूँ तो हम यही गली या रस्ते पे ना दो चार बार पहले कोमल कहाँ से है ना रास्ता हम वहीं घूमे गए फिर भाई साहब आए हमें यहाँ लेने जब आई है कह लगे हमें ना मिल रहा चिल्ले चल चल वापस चल आदमी को दिमाग तो हो ही जाकर हम मैंने बॉबी भेजती हो तो भेज दे रही तो मैं जा रही हूँ और कितने बजे आई तो पाँच चलो भाई अब हम जा रहे हैं करते हैं ये करते हैं व्लॉग यहीं पे खत्म बॉबी का ध्यान रखिए नहीं तो उड़ा दूंगी
हमारी फ्रेंड के चोट लग गई हमें पता चली, तो इसलिए हम आए देखने के लिए, क्योंकि ऐसा हुआ आंटी हमें मिल गई अड्डे में। आंटी मिल गई, आंटी पूछी, आंटी ने कही हाँ तेरी फ्रेंड के तो चोट लग गई, मैं इनकी चाहती हूँ देखने के लिए, गिल्ला मोने की बहुत ज़्यादा। और वो भी फतेहपुर में रात रात को मेरे पास ज़रूर होगा भाई, इसीलिए मैं आई। बाय बाय, आपको ब्लॉग अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर करना। अरे हमारी बहन हमें विदा करने को आई है।